दीदी, किसने हमारे घर को आग लगा दी? अब हम कहाँ जाएंगे? हमने लोगों का क्या बिगाड़ा है जो ये लोग हमें चैन से जीने नहीं दे रहे? तभी प्रीति की नज़र चिंकी पर पड़ती है। दीदी देखो, चिंकी को उल्टियाँ हो रही है और इसका शरीर भी बहुत गर्म है। चुनमुन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। एक तरफ उसकी बहन की हालत बहुत खराब थी और उसकी एक बहन जेल में बंद थी, दूसरी तरफ उनके सर पर जो छत थी वो भी अब राख में तब्दील हो चुकी थी। कुछ समय पहले चुनमुन अपनी तीनों बहनों के साथ रेलवे स्टेशन पर एक बोरियों से बने छोटे से झोपड़े में रहती है। चुनमुन की माँ कुछ महीने पहले ही एक ट्रेन हादसे में चल बसी। अब तीनों बहनें स्टेशन पर सामान बेचकर कूली का काम कर अपना गुजारा करती हैं। साहब लाइए, मैं ये सामान उठा देती हूँ। ए लड़की, दूर हट, नीचे रख मेरा सामान, देखने में कोई चोरनी लगती है तू। नहीं साहब, मैं कोई चोरनी नहीं हूँ। मैं सब जानता हूँ, तुम जैसे लोगों से रोज पाला पड़ता है मेरा, चल हट। वो आदमी चुनमुन को धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। उधर प्रीति स्टेशन पर समोसा बेचती थी। समोसा ले लो, समोसा, गरम गरम समोसा। ए लड़की, कितने का दिया एक समोसा? 10 रुपए का दीदी। चलो ठीक है, एक समोसा देना तो जरा। प्रीति उसे एक समोसा देती है। लड़की उस समोसे को लेकर खाने लगती है। पहला ही निवाला खाकर वो थू थू करने लगी। अच्छी, कितना गंदा समोसा है ये रख दो अपने पास। दीदी अब पैसे तो दे दो। किस बात के पैसे? एक तो इतना घटिया समोसा बनाकर देती है, उस पर मैं तुझे पैसे भी दूँ? दीदी ऐसा मत कहिए, अब मुझे भी आगे अपने मालिक को पैसे देने पड़ते हैं, नहीं दूंगी तो वो मुझे काम से निकाल देंगे। रुक, तू ऐसे नहीं मानने वाली है, अभी टीसी को बुलाती हूँ। वो लड़की टीसी को बुलाती है और कहती है, क्या हुआ मैडम? ये लड़की मुझे परेशान कर रही है, जबरन पैसे लूटने पर लगी है, क्या यही सब होता है यहाँ? रुकिए, इसका तो मैं अभी इलाज करता हूँ। टीसी प्रीति को एक थप्पड़ जड़ता है और उससे सारे समोसे छीन लेता है। बेचारी प्रीति कुछ कह भी नहीं पाती और रोते हुए घर लौट आती है। घर पर पीहू चिंकी का ध्यान रखने के लिए रुकी थी, नहीं तो वो भी स्टेशन पर पानी की बोतल बेचने का काम करती है। पीहू प्रीति का जब उदास चेहरा देखती है तो उससे पूछती है, क्या हुआ प्रीति, किसी ने कुछ कहा क्या? दीदी नहीं आई क्या अभी? नहीं अभी नहीं, आती होंगी, तू बता ना किसी ने कुछ कहा? प्रीति उसे पूरी कहानी बताती है। पता नहीं ये अमीर लोग खुद को क्या समझते हैं, 10 रुपए देने में भी इन्हें मौत आती है। तभी चुनमुन वहाँ आती है। चुनमुन की भी आज कोई कमाई नहीं हुई थी, उधर अब ठंड भी शुरू हो गई थी। दीदी आज तो ठंड बहुत ज्यादा है, देखो तो चिंकी कैसे ठंड से कांप रही है। रुक, मैं कुछ करती हूँ। चुनमुन सामने बड़ी बोरियों को उठाती है और उन्हें सुई से सिलकर स्वेटर बनाकर अपनी बहनों को देती है। मैं तुम्हें और बच्चों की तरह स्वेटर तो लाकर नहीं दे सकती, लेकिन ये तो दे ही सकती हूँ, इससे कुछ तो ठंड रुकेगी। चारों बहनें बोरी के बने स्वेटर पहनकर ठंड से लड़ने को तैयार थी, लेकिन क्या उसमें सच में ठंड रुकने वाली थी? जवाब था नहीं, बस इतना आराम था उनका कि थोड़ी गर्माहट मिल जाती थी। चुनमुन ने बोरियों से एक कंबल भी सिला और उसी को तान कर सो गई। सुबह होने पर तीनों बहनें निकल गईं अपने अपने काम पर। चुनमुन ने चिंकी को अपने सीने पर बांधा हुआ था। कुछ औरतें भारी बैग लेकर चल रही थी। लाइए मैं उठा लेती हूँ। अरे नहीं बेटी, ये तुम्हारे बस की बात नहीं, ये बहुत भारी है। नहीं मैं उठा लूँगी। नहीं बेटी, ये सच में बहुत भारी है। मुझे काम की बहुत जरूरत है काकी। उन औरतों को चुनमुन पर तरस आ गया और उन्होंने उसे ऐसे ही 20 रुपए दे दिए। नहीं काकी, भीख नहीं चाहिए, मुझे मेरी मेहनत के पैसे चाहिए। ठीक है बेटा। चुनमुन उनका वो भारी बैग अपने सर पर रखकर चल देती है। उस बैग का वजन उससे 2 गुना था
लेकिन फिर भी चुनमुन उफ नहीं करती और वो औरतें उससे खुश होकर उसे 50 रुपए देती हैं। उधर पीहू भी पानी की बोतल बेच रही थी। पानी की बोतल ले लो, 20 रुपए की एक बोतल। तभी एक पुलिस वाला पीहू के हाथ को पकड़कर कहता है, चल मेरे साथ। साहब मैंने क्या किया है? एक तो चोरी करती है और कहती है मैंने क्या किया है। चल आज पूरे दिन हवालात में रहेगी तो अकल आ जाएगी। साहब मैंने कोई चोरी नहीं की। वो तो मैं पता कर लूंगा, चल। पुलिस वाला पीहू को पकड़कर उसे जेल में डाल देता है और उसकी सारी पानी की बोतल वो सभी पुलिस वाले पी जाते हैं। साहब साहब ऐसा मत कीजिए, मैं मालिक को क्या जवाब दूंगी। ए, चुप, एकदम चुप। शुक्र मना, मैंने तुझे केवल जेल में डाला है, नहीं तो मैं तुझे ऐसा टॉर्चर करूंगा कि तेरी सात पुश्तें भी कांप उठेगी। उधर प्रीति का मालिक उसे काम से निकाल देता है और उसके जो पैसे बकाए थे वो भी उसे नहीं देता। जैसे ही चुनमुन और प्रीति को पीहू के बारे में पता चलता है, वो दौड़ी दौड़ी उसके पास आती है, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर उनसे रिश्वत मांगता है। 10,000 दे और ले जा अपनी बहन को। मेरे पास इतने पैसे नहीं है, अब 50 रुपए है। आ गए चिंदी चोर, चलो निकलो, जब पैसे हो जाए तब आ जाना, जाओ। चुनमुन और प्रीति उदास होकर घर लौटते हैं तो देखते हैं कि किसी ने उनके घर में आग लगा दी है। दीदी, किसने हमारे घर को आग लगा दी? अब हम कहाँ जाएंगे? हमने लोगों का क्या बिगाड़ा है जो ये लोग हमें चैन से जीने नहीं दे रहे? तभी प्रीति की नज़र चिंकी पर पड़ती है। दीदी देखो, चिंकी को उल्टियाँ हो रही है और इसका शरीर भी बहुत गर्म है। चुनमुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। एक तरफ उसकी बहन की हालत बहुत खराब थी और उसकी एक बहन जेल में बंद थी, दूसरी तरफ उनके सर पर जो छत थी वो भी अब राख में तब्दील हो चुकी थी। वो हार कर जमीन पर गिर जाती है। हे भगवान, तू इससे अच्छा तो हमें मार दे, क्यों ये दिल दिल कर कर मार रहा है? एक तरफ मेरी छोटी बहन बीमार है लेकिन मेरे पास उसके इलाज के लिए पैसे नहीं है, और एक बहन जेल में बंद है, और बचा था बस ये एक घर, ये भी लोगों ने जला दिया। अब हम कहाँ जाएं? कहाँ जाएं? दोनों बहनें उदास हो जाती हैं कि तभी चुनमुन की नजर सामने रखी अपने माँ की सिलाई मशीन पर पड़ती है। अपनी माँ की इकलौती आखिरी निशानी होने के नाते उसने उसे तुरंत बाहर निकाला और रोने लगी कि तभी उस सिलाई मशीन में से आवाज आई, रो मत मेरी बच्ची, रो मत। चुनमुन हैरानी से अपने आसपास देखती है लेकिन वहां प्रीति के अलावा कोई नहीं था। तभी फिर वही आवाज आती है, मेरी बच्ची ये मैं हूं, तेरी माँ। मेरी आत्मा इस सिलाई मशीन में है और मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। तू जो भी मन में सोचेगी वो ये मशीन तुझे खुद ब खुद सिल कर देगी। सच में माँ, ये तुम हो? हाँ मेरी बच्ची। तब प्रीति की नजर स्टेशन पर तिरंगे से खेलते कुछ बच्चों पर जाती है और वो कहती है, दीदी 26 जनवरी आने वाली है, क्यों ना हम तिरंगे बनाकर उन्हें बेचे? हाँ प्रीति, तूने सही कहा, ए जादुई सिलाई मशीन, तुम हमें तिरंगे झंडे सिल कर दो। चुनमुन के ऐसा कहते ही वो मशीन खुद ब खुद चलने लगती है और उसके अंदर से तिरंगा झंडा निकलने लगता है। ये देखकर दोनों को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। तब उस सिलाई मशीन में से आवाज आती है, मेरी बच्चियों, तुम्हें कुछ और सिलवाना है तो तुम वो भी सिलवा सकती हो। तुम क्या हमारे घर के लिए कुछ सिल सकती हो? सिलाई मशीन फिर से अपने आप चलने लगी और उसमें से बड़े बड़े तिरंगे निकलने लगते हैं, जिससे दोनों बहनें मिलकर अपना घर एक बार फिर से बना लेती हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई सिलाई मशीन। चुनमुन और प्रीति वो झंडे लेकर स्टेशन पर जाकर बेचती हैं। उसकी बिक्री भी बहुत अच्छी होती है, हर बच्चा उससे झंडा खरीदता है। इस तरह चुनमुन
उन कमाए पैसों से चिंकी का इलाज करवा पाती है और पैसे जोड़कर उस पुलिस इंस्पेक्टर को देकर पीहू को भी छुड़वा लेती है। दीदी, ठंड तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही, इन कपड़ों में ठंड भी नहीं रुकती। अच्छा रुको, अभी जादुई सिलाई मशीन से गर्म कपड़े सिलवाती हूँ। जादुई सिलाई मशीन, हमें गर्म कपड़े सिलकर दो। दीदी, तिरंगा स्वेटर। ठीक है। एक बार फिर से मशीन ने चुनमुन को गर्म तिरंगा स्वेटर सिलकर दिए, जो बहुत ही सुंदर थे। उन्हें देखकर उन्हें एक बिजनेस का आइडिया आया और उन्होंने तिरंगा स्वेटर बेचने शुरू कर दिए, जिसे बच्चों ने भी खूब पसंद किया। इस तरह सभी बहनें आपस में खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, आप सभी को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में भारत माता की जय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आप सभी इस वीडियो पर अपनी माँ की लंबी आयु के लिए कमेंट में आई लव माँ जरूर लिखें। दुर्गा माँ जरूर आपकी इच्छा पूरी करेंगी। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वो कहते हैं ना, देशभक्ति का नशा जिसे चढ़ गया, उसे अब दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। कुछ ऐसा ही हुआ रामनगर में। अंजलि, शेफाली, सुषमा, मालती और मधु पांच बहनें हैं और वो लोग रामनगर में एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं। वो लोग बहुत गरीब हैं। मधु तो एकदम छोटी है, उसकी उम्र बस कुछ महीने है। उसको जन्म देते ही उसकी माँ मर गई और उसके पिता का देहांत तो उससे भी 5 महीने पहले हो गया था। अब उसकी सारी जिम्मेदारी बाकी 4 बहनों पर आ गई थी। हमें हमारी छोटी बहन की रक्षा करनी है। हाँ, बिल्कुल माँ के जैसा ख्याल रखना होगा। तभी मधु भूख से रो उठी, लेकिन दूध खरीदने का पैसा नहीं था, इसीलिए अंजलि दुकान से दूध उधार मांगने गई। लेकिन दुकानदार ने कहा, जा भाग यहाँ से, भिखारी कहीं की कहीं से भी आ जाते हैं। अंजलि दूध के लिए दर दर भटकती रही और अंत में उसे एक गाय दिखी। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे गो माता, मेरी बहन को पिलाने के लिए दूध चाहिए, आपसे ले लूं। गाय ने अपना सिर हिलाया। अंजलि ने दूध निकाला और मधु को जाकर पिला दिया। मधु ने रोना बंद किया। ऐसे ही मधु बड़ी होने लगी। बचपन से ही पांचों बहनें लोगों के दुख दर्द में उनके साथ खड़े रहते। उनके माता पिता ने उन्हें यही सिखाया है। मधु रोते हुए कहती है, मैंने तो माँ और बापू को नहीं देखा। वो दोनों कैसे थे दीदी? वो दोनों बहुत अच्छे थे बहन, अगर वो आज होते तो तुझे सबसे ज्यादा प्यार करते। ये सुनकर मधु और ज्यादा रोती है। पांचों बहनें रोने धोने के बाद अपने आप संभल जाती हैं। सिर्फ रो धोकर कुछ नहीं होगा, हमें मजबूत रहना पड़ेगा। ऐसे ही पांचों बहनें बड़ी होने लगती हैं। एक दिन उन लोगों को खबर मिलती है कि गांव के बिरजू पहलवान का बेटा रमेश को आर्मी में नौकरी मिल गई है। ये सुनकर अंजलि और बाकी चारों को भी आर्मी में जाने का चस्का लग जाता है। हमें भी आर्मी में जाना है और देश की सेवा करनी है। हाँ बहन, उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी। लेकिन अभी 2 वक्त के खाने के लिए वो लोग गांव के एक अमीर आदमी के घर पर कामवाली का काम करते हैं। उसके बदले पांचों को 2 वक्त का खाना मिलता है। ऐसे ही उन लोगों के दिन बीतते हैं। एक दिन अंजलि बिरजू पहलवान के पास जाकर कहती है, पहलवान, आप हम पांचों को भी ट्रेनिंग दे सकते हो क्या? हमें भी आर्मी में जाना है। ये सुनकर बिरजू पहलवान हंसने लगता है। लड़की होकर पहलवानी सीखना चाहते हो तुम लोग, हैं? उसका बेटा रमेश कहता है, सिर्फ वही नहीं, आर्मी में जाना चाहते हैं ये पांचों, क्या मजाक है। बिरजू पहलवान पांचों को भगा देता है। अंजलि को बहुत बुरा लगता है। बहनों, हम हार नहीं मान सकते, हमें एक साथ काम करना होगा। कुछ ही दिनों के अंदर देश में जंग छिड़ गई। बिरजू पहलवान का बेटा रमेश जंग पर चला गया। अंजलि दूर से रोज बिरजू पहलवान की ट्रेनिंग देखती रही। अच्छा, तो ऐसे प्रैक्टिस करना है। एक दिन अंजलि ने देखा कि बिरजू पहलवान एक और उस्ताद के पास जा रहा है। वो बिरजू पहलवान का भी उस्ताद है। अंजलि अगले दिन उसी उस्ताद के पास जाती है और वो उस्ताद पांचों को ट्रेनिंग देने के लिए राजी हो जाते हैं। मैं ट्रेनिंग दूंगा, लेकिन उसके बदले मुझे महीने में 5,000 रुपए चाहिए। अंजलि चिंता में पड़ गई। वो जिस आदमी के घर पर काम करती थी, वहाँ जाकर उसने पैसे मांग लिए। साहब, हम पांचों सिर्फ 2 वक्त के खाने के बदले काम करते हैं,
हमें अब तनख्वाह भी चाहिए। अच्छा, तो अब डिमांड बढ़ रहा है, मैं पैसा नहीं दे सकता, काम करने वालों की कमी नहीं है, जा भाग यहाँ से। पैसे मांगने के चक्कर में उनका काम चला गया। उस्ताद को पैसे देना तो दूर, उनको दो वक्त का खाना भी बंद हो गया। वो लोग रोने बैठ गए। अब क्या होगा दीदी, अब हम खाएंगे क्या? चिंता मत कर, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। अगले दिन अंजलि ने झोपड़ी बेच दी। बिरजू पहलवान ने झोपड़ी खरीद ली, लेकिन उसके बदले बिरजू ने अंजलि को सिर्फ 7,000 रुपए दिए। बहुत अच्छा डील मिला है, सिर्फ 7,000 में। बिरजू बहुत शातिर है। अंजलि अपनी बहनों से कहती है, बहनों उस्ताद की 1 महीने की फीस का बंदोबस्त हो गया और बाकी 2,000 से हम 1 महीना खाना खाएंगे। वो सब तो ठीक है दीदी, लेकिन उसके बाद क्या होगा, हम रहेंगे कहाँ? वो लोग बड़े रास्ते के किनारे चले गए और फुटपाथ में कपड़ों से छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगे और उस्ताद से पहलवानी सीखने लगे। उधर जंग चलती रही। रमेश जंग में लड़ाई करता रहा, लेकिन उसे डर भी लगने लगा। इधर 1 महीने खत्म हो गए तो अंजलि और उसकी बाकी 4 बहनों ने भीख मांगना शुरू कर दिया। कुछ पैसे दे दो साहब, हमें सपना पूरा करना है, कुछ पैसे दे दो ना साहब। इसी तरह उन लोगों का दिन बीतता रहा। हर सुबह उन लोगों के पास एक गाय आती और अंजलि उसे हर रोज केले के छिलके और रोटी खिलाती रही। इस तरह कुछ साल बीत गए। वो 5ों जवान हो गए, लेकिन बॉर्डर में जंग अभी तक चल रही है। अब रमेश को गुस्सा आने लगा। वो कुछ दिनों की छुट्टी लेकर घर आया तो बिरजू पहलवान ने उससे कहा, बेटे केवल तनख्वाह से क्या ही हो रहा है, अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। हाँ पिताजी, मैं भी वही सोच रहा हूँ, मैं नौकरी छोड़ देता हूँ। नहीं रे पागल, तो अपने कैंप से बंदूकें और बाकी चीजें उठाकर दुश्मनों को बेचना शुरू कर, उसमें तुझे बहुत पैसे मिलेंगे। ये बात रमेश को अच्छी लगी। वो जंग में लौट गया और रात को चुपके से बंदूकें चुरा कर दुश्मनों को बेचने लगा। अरे रमेश भाई, तुम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये लो पैसे। पैसे देखकर रमेश की नीयत और खराब हो गई। वो और ज्यादा हथियार बेचना शुरू कर देता है। इधर अंजलि अपनी बहनों के साथ तैयार होने लगी। बहनों कल एनसीसी में सिलेक्शन है, अगर कल हमें एनसीसी में जगह मिल गई तो आर्मी में नौकरी मिलना पक्की समझो। अगले दिन 5ों ने एनसीसी कैंप में एक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इतने दिनों से कठिनाई से लड़ते लड़ते 5ों बहुत मेहनती और शक्तिशाली बन गए थे, इसीलिए हर एक प्रतियोगिता में वो लोग अव्वल नंबर पर आए। उन लोगों को एनसीसी कैंप में जगह मिल गई, वो लोग बहुत खुश हुए। लेकिन जगह मिलते न मिलते ही आर्मी सिलेक्शन की डेट आ गई। दोस्तों, दुश्मनों से हमारी लड़ाई चल रही है और वो भी कई सालों से, इसलिए हमें जल्द से जल्द लड़ाई करने वाले लोग चाहिए। 5ों बहनों को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी गई, लेकिन तभी और एक ऑफिसर ने कहा, तुम 5ों तो हो बड़े बहादुर, लेकिन जंग में हम किसी लड़की को नहीं ले जा सकते, इसलिए अफसोस तुम लोगों की सिलेक्शन नहीं हो पाएगी। 5ों का दिल टूट गया। अपने सपनों के इतने करीब आकर भी सब कुछ बिखर गया। सब कुछ खत्म हो गया दीदी, सब कुछ खत्म। हाँ दीदी, और बचा ही क्या है, हमें अब भीख ही मांगनी पड़ेगी। वो लोग रोते रहे। अंजलि को भी लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन वो कहते हैं ना, अगर तुम किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। वो 5ों फुटपाथ पर चले आए, लेकिन उस रात उन लोगों को नींद नहीं आई। और तभी अंजलि ने देखा कि रमेश चुपके से एक बड़े से बैग में बहुत सारे पैसे लेकर आ रहा है। अंजलि ने उसका पीछा किया और देखा कि रमेश बिरजू पहलवान को सारा पैसा दे रहा है। ये लीजिए पिताजी, इस महीने का पैसा, पूरे 10,00,000 रुपए। वाह बेटा, ऐसे ही बंदों के दुश्मन को बेचकर पैसे कमाते रहे। अंजलि को सब कुछ समझ में आ गया। वो तभी अपनी बहनों को लेकर जंग के मैदान में पहुंच गई और कैंप में जाकर उसने ऑफिसर से सब कुछ कह दिया। ये क्या कह रहे हो तुम लोग, क्या ये सच है? सर, सच झूठ तो कल रात को ही पता चल जाएगा। अगले दिन रात को ऑफिसर नींद का नाटक करके पड़े रहे। अंजलि और बाकी 4ों छुपे रहे। उन लोगों ने देखा कि रमेश ने कैंप में घुसकर बंदूकें ली और दुश्मनों के अड्डे की ओर चला गया। तभी अंजलि और ऑफिसर ने उसका पीछा किया और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। चोर कहीं के, जवान होकर कैंप से चोरी करता है। गलती हो गई सर, मुझे छोड़ दीजिए।
वो लोग दुश्मन कैंप के करीब ही थे। तभी दुश्मनों ने ऑफिसर पर हमला कर दिया, लेकिन तभी अंजलि और चार बहनों ने मिलकर दुश्मनों की खूब पिटाई की और ऑफिसर की जान बच गई। रमेश को अरेस्ट किया गया, गांव से बिरजू पहलवान को भी अरेस्ट किया गया। पांचों बहनों पर ऑफिसर संतुष्ट हुए। तुम लोगों ने आज बहुत अच्छा काम किया, तुम लोग लड़कों से कम नहीं हो, इसीलिए आज तुम लोगों को आर्मी में नौकरी दी जाती है। पांचों का सपना पूरा हुआ और इसके बाद सभी ने मिलकर दुश्मनों को भगा दिया और इसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।